दिया राजा ने, करण रसोई जानू सू मन राख लियो भंडारी। पहली बात में न्यू कर लगे राजा कमल नैन ने वो भंडारी, तेरी सलाह और मेरी सलाह का ठीक विचार मिलेगा, प्रेरित पलटन भार के होते ही भोजन त्यार मिलेगा, किसी चीज की कमी रहे ना सब एक सार मिलेगा, नमक मिर्च और गरम मसाला सब आचार मिलेगा, नमक मिर्च और गरम मसाला सब आचार छोरो कोसी ले चलूंगा कोसी। वो भंडारी के भेष में भीम के भेष धर के भंडारी और न्यू कर लिया राजा, तरह तरह की सब्जी बनाना जानता हूँ, पराठा भी मूली गले से गोभी गले से बथुआ का सब चीज का पराठा भी बनाना जानता हूँ। फिर राजा कमल ने न्यू कर लगा, हो जा कोई पहले कभी रोटी बनाई भी है कभी चून का ही नाश करेगा, पहले कित काम करया करता इसने समझी भाई, किसी राजा का नाम लेगा तो यो राजा मंत्री बुलवा करके उस राजा ने बुलावेगा, फिर पूछेगा, फिर वेद खुल जाएगा, फिर 12 साल का अज्ञातवास दिसोटा मिल जाएगा। न्यूज ने सोची भाई अपना ही नाम ले दिया जाए, क्यों पांचों भाई भी हो रही है और यह द्रौपदी भी साथ है, माँ माँ चाचा के रहे डोल डाल के आ जाएंगे। न्यू कर लगे सुन कित नौकरी करी मैंने, हाय अब ते पहले रहा पंडवा के चोखी टहलो बजाई थी, तन मन सेवा करी मेरी नहीं शिकायत आई थी, मेरे ऊपर मस्त रहे थे पाचू पांडव भाई, आज किसी बात में मिला दिसोटा गैल दरो पत जाई थी, किसे बात पे और राजा कमल नैन बड़ा राजी हुआ भाई, पांडवा के घर नौकरी करिए भाई करी होगी, क्यों उसने क्यों पूछना था,
फिर यू बोला भाई तेरी नौकरी पक्की तड़का था, तू सारी फौज की रिसाले की रोटी बनाया कर भंडारी, और रोटी का काम उस भीम को भी दे दिया, भीम डोली रोटी बनावे। फिर भीम एक दिन नू कहने लगा महाराज एक शरत मेरी भी है। नू बोला भाई तेरी के शरत है? नू बोला महाराज यो तेरी इतनी बड़ी फौज पलटन है, मैं सबने हाजी कहूंगा हाजी कमाऊंगा, ना किसी से फालतू बोलूंगा ना बुलवाऊंगा। हाँ यदि किसी ने फालतू बोल दिया तो महाराज फिर भाई घाट भी नहीं गालूंगा। अच्छा ओ महाराज कमल ने सोची भाई इतना लंबा चौड़ा ठाडा आदमी है तो रगड़े ही रगड़े। न्यू कह लगे सुनो महाराज मेरी के शरत है क्या? आए जिस कायदे ते जिस कायदे तेरी पलटन चले उस कायदे चालूंगा, जुन सी चीज पे दस्तखत कर दिए घाट नहीं गालूंगा। हाजी कहूं और हाजी कबाऊं सही रस्ते चालूंगा, के ओची मंदी कह दी किसे न तो घाट नहीं गालूंगा। ओची मंदी राख लियो भंडारी करण रसोई जानो तुम राख लिए भंडारी। ये बात है और सुनिए धर्म प्रेमी सजनों, शरत पक्की हो जाती है। फिर राजा कमल नैन के दिमाग में एक विचार आई, यार इधर पांडवा के बारे में ये जिक्र कर रहा था उनमें भी एक इतना बड़ा दासू आदमी था कहीं वो ही तो नहीं है। फिर न्यू कहने लगे भाई इन पांडवों के बारे में जिक्र तू कर रहा है, वो पांचों पांडव कहाँ हैं आज? न्यू बोला महाराज उनकी सुन कित है। क्या कहने लगा? जिस दिन ते उन्हें मिलिया दी सोटा, जिस दिन ते उन्हें मिलिया दी सोटा, किस्मत पड़ के सोई 12 साल में फिरते फिरते आज नौकरी टोई। आदम दे के चोले अंदर मुश्किल पेट झकोई, आदम दे के चोले अंदर भरना पेट झकोई, पर मेरे कैसा नहीं मिलेगा मुफ्त रसोईया कोई। मेरे कैसा नहीं मिलेगा मुफ्त रसोईया कोई। ओ चित्रू वल्लभ नाम लिखो, ओ चित्रू वल्लभ नाम लिखो, मेरी सुनो हकीकत सारी रे। करण रसोई जानो सुमन राख